स्वर्गवासी माँ और जादुई सैंडल। मोहिनी अपनी चाची शांति और चाची की बेटी अनुष्का के साथ रहती थी। जब मोहिनी छोटी थी तब मोहिनी की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी और तबीयत खराब रहने के कारण वो मोहिनी को छोड़कर चली गई और इस सदमे को मोहिनी के पिता भी बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिस वजह से वो भी मोहिनी को अनाथ छोड़कर चले गए। लेकिन इसी बीच मोहिनी की चाची शांति जो कि मोहिनी को अपने घर ले आई। जब मोहिनी ने अपने माता पिता को खोया था और तब से मोहिनी अपनी चाची के साथ रह रही थी। शांति ने भी मोहिनी को ये सोचकर घर में रखा कि उसकी परवरिश अच्छे से होगी, लेकिन समय बीतने पर उसने भी सोचा कि वह क्यों इस अनाथ लड़की का खर्चा उठा रही है, जिसके बाद से शांति ने भी मोहिनी पर अत्याचार करना शुरू किया। शांति की बेटी अनुष्का जो कि बहुत ही ज्यादा घमंडी लड़की थी और लालची भी, शांति को मोहिनी एक आंख भी नहीं भाती थी। मोहिनी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, उसकी नीली नीली आंखें, लंबे घने बाल और उसका गोरा चेहरा, कोई भी मोहिनी को देखता तो वो उसको देखता ही रह जाता। लेकिन वहीं अनुष्का अपनी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए नए नए मेकअप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती थी। ऐसे ही एक दिन शांति के घर पर किटी पार्टी होती है जिसमें काफी औरतें आई थी। उन्हीं में से एक औरत मोहिनी को देखकर कहती है, अरे वाह शांति, तेरी बेटी तो बड़ी सुंदर है, इसकी आंखें तो देख कितनी प्यारी है और बाल अरे वाह कितने लंबे हैं। यहाँ पर खड़ी खड़ी सबका मुँह क्या देख रही है, जा मेरी बेटी अनुष्का को बुला कर ला। जिसके बाद अनुष्का आती है, तभी वो औरत कहती है, अरे ये कौन लड़की है? अरे ये तो मेरी ही बेटी है, कितनी सुंदर है ना। हाँ ठीक है, लेकिन इससे पहले जो लड़की आई थी वो तो इतनी सुंदर थी, उसको तो बस मन कर रहा था कि देखते ही जाओ। ये सुनने के बाद अनुष्का को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से से वो पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है और वहाँ जाकर मोहिनी से कहती है, तू बाहर क्यों गई? अब सारे लोग तेरी तारीफ कर रहे हैं और मेरी बुराई। ऐसा कुछ नहीं है अनुष्का, मैं तो सिर्फ बाहर सबको जूस देने गई थी। जिसके बाद अनुष्का अपने कमरे में जाती है और अगले दिन जब मोहिनी नहा कर आती है तो अनुष्का तभी मोहिनी की एक क्रीम में केमिकल मिला देती है जिससे मोहिनी का चेहरा खराब हो जाए। लेकिन मोहिनी एक क्रीम के अलावा ज्यादा कुछ नहीं लगाती थी और उस दिन मोहिनी को कुछ ज्यादा ही और जरूरी काम था, इसीलिए मोहिनी जल्दी जल्दी नहा कर आई और उसने कोई क्रीम भी नहीं लगाई। लेकिन ये देखकर अनुष्का को बहुत गुस्सा आया और उसका ये प्लान भी मोहिनी के ऊपर नहीं चला। जिसके बाद वो अपना मूड फ्रेश करने के लिए अनुष्का अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती है और जब घर आती है तब वो अपनी माँ से खुशी से कहती है, माँ माँ आपको पता है गांव में कंपटीशन है, जिसकी स्पीच और वॉक अच्छी होगी उसे बेस्ट प्राइज मिलेगा और साथ ही उसकी फोटो भी न्यूज़पेपर पर आएगी, और माँ मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। अरे वाह, तब तो तू जरूर उसमें पार्टिसिपेट कर, और मुझे पता है मेरी बेटी ही जीत कर आएगी और मेरा नाम रोशन करेगी। उन दोनों की ये सारी बातें मोहिनी भी सुन लेती है और खुशी से आकर कहती है, चाची मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, क्या मैं भी इसमें हिस्सा ले लूँ? तेरे को पता है कंपटीशन में अच्छे अच्छे कपड़े होने चाहिए, चल मान लिया तू खूबसूरत है, लेकिन ना ही तो तेरे पास अच्छे कपड़े हैं और ना ही तो सैंडल, और ये मत सोचियो कि मैं तुझे दिलाऊंगी। जिसके बाद अनुष्का और शांति मोहिनी के ऊपर हंसने लगते हैं और मोहिनी भी अपने कमरे में चली जाती है। उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है और थोड़ी देर के लिए वो सो जाती है, लेकिन सपने में वो अपनी माँ को देखती है और सपने में मोहिनी की माँ कहती है, उदास मत हो मेरी बच्ची, और किसने कहा कि तू कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगी, मैं तुझे अच्छे कपड़े और सैंडल दूंगी, लेकिन तू अपनी चाची और अनुष्का को मत बताना
कि तू भी इसमें हिस्सा लेना चाहती है। जब वो दोनों ही कंपटीशन के लिए निकल जाएंगे तब तू भी पीछे पीछे निकल जाना। और मुझे पूरा भरोसा है मेरी बेटी ही जीतेगी और उसे पुरस्कार भी मिलेगा। ये सुनने के बाद मोहिनी बहुत खुश होती है, लेकिन तभी अचानक से उसकी आँख खुलती है और तब वो कहती है, अरे ये तो सिर्फ सपना था, काश ऐसा सच में होता और मैं माँ से सच में बात कर पाती। जिसके बाद वो उठती है और मुंह धोकर आती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके कमरे में बहुत सुंदर सी एक सैंडल और बहुत सारी ड्रेस रखी है। और जैसे ही मोहिनी उस सैंडल के पास जाती है तो सैंडल में से आवाज आती है, मैं जादुई सैंडल हूँ और मुझे तुम्हारी माँ ने भेजा है, अब तो तुम खुश होना और साथ ही तुम उस कंपटीशन में भी हिस्सा ले सकती हो। मोहिनी बहुत खुश थी और अब वो अपना कमरा बंद करके वो कंपटीशन की तैयारी करती थी। वो अपनी माँ की तस्वीर से ही बात किया करती थी और साथ ही वो सैंडल पहनकर वो वॉक भी किया करती थी। और अब आता है कंपटीशन का दिन, जिसके लिए अनुष्का ने बहुत सारी तैयारियाँ की थी। उसने दो दिन पहले ही अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए बहुत सारी ऐसी क्रीम लगाई थी जिससे वो खूबसूरत हो जाए। और इस दिन का तो अनुष्का को बेसब्री से इंतजार था, जिसके लिए वो सुबह जल्दी उठकर अच्छे से तैयार हो जाती है और अपनी माँ के साथ कंपटीशन के लिए निकल जाती है। लेकिन यहाँ मोहिनी भी पूरी तैयार हो रखी थी और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। वो भी अनुष्का के पीछे पीछे निकल गई और अब कंपटीशन स्टार्ट होता है। सभी लड़कियों ने अपना बेस्ट किया, जिसके थोड़ी देर बाद मोहिनी का भी नंबर आया। उसने स्पीच भी बहुत अच्छी दी और वॉक भी बहुत अच्छी की। लेकिन जैसे ही इस कॉम्पिटिशन में शांति और अनुष्का ने देखा कि मोहिनी भी आई है तो अनुष्का को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, माँ देखा आपने इस लड़की की हिम्मत, आपके मना करने के बावजूद भी ये लड़की कंपटीशन में आई है, पर इसके पास ये सैंडल और ड्रेस कहाँ से आई माँ? पता नहीं बेटा, लेकिन अब ये सारी बातें घर जाकर पता चलेगी। जिसके बाद सभी जजेस देखने लगते हैं कि किसको बेस्ट प्राइज मिलना चाहिए। और फिर थोड़ी देर बाद जजेस मोहिनी को बुलाते हैं और उसे ही बेस्ट प्राइज मिलता है, क्योंकि वो इतने दिनों से तैयारियां जो कर रही थी और उसे बहुत खुशी हुई। उसने तुरंत ही मन ही मन अपनी माँ को धन्यवाद किया, लेकिन उसे ये भी पता चल चुका था कि वो घर जाएगी तो उसकी चाची उसे बहुत मारेगी। जिसके बाद मोहिनी खुशी खुशी घर जाती है। वहीं अनुष्का ये देखकर उदास हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने भी बहुत मेहनत करी थी। लेकिन वो ऐसा सोच रही थी कि उसके कपड़े सबसे महंगे और उसने बहुत सारी तैयारियां की थी, इसीलिए उसे ही प्राइज मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन घर जाकर शांति ने मोहिनी को बहुत मारा और उसे बहुत डांटा भी, जिसके बाद उसे अपने कमरे में बंद कर दिया। जिसके बाद मोहिनी अपनी माँ की तस्वीर से बोली, देखो माँ मुझे प्राइज मिला है, वो भी आज आपकी वजह से, आपने मुझे जादुई सैंडल और फ्रॉक दी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन चाची ने मुझे बहुत मारा, लेकिन अपनी जीत के आगे मैं बहुत खुश हूँ। जिसके बाद जब रात में शांति ने मोहिनी को बाहर निकाला और उससे सब कुछ पूछने लगी, पहले तो मोहिनी बहुत डर गई और उसने सोचा कि वो अपनी चाची को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन डर के मारे मोहिनी ने भी शांति को सब कुछ बता दिया। और ये जानने के बाद अनुष्का और शांति ने मोहिनी की वो जादुई सैंडल ले ली। और तभी अनुष्का बोली, अब ये जादुई सैंडल तेरे किसी काम की नहीं है, अब इसे मैं रखूंगी, ज्यादा पढ़ निकल आए है ना तेरे। नहीं नहीं अनुष्का, वो मुझे दे दो, वो मेरी माँ ने मुझे दिए हैं, तुम तो ऐसे बहुत सारी सैंडल खरीद सकती हो, लेकिन मुझे ये लौटा दो, ये मेरी माँ की निशानी है। क्या सच में? कितने अच्छे मजाक कर लेती है, तेरी मरी हुई माँ अब तुझे चीजें देने लगी है। जिसके बाद अनुष्का अपने लिए और अपनी माँ के लिए बहुत सारी चीजें मांगती है, लेकिन वो जादुई सैंडल उसे कुछ नहीं देता।
लेकिन जब अनुष्का मोहिनी के पास जाती है और उसे कहती है कि वो उसके लिए बहुत सारी चीजें मांगे, तो मोहिनी भी उसे मना कर देती है, जिसके बाद अनुष्का को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने तुरंत ही मोहिनी को एक चाटा मारा और बाहर सैंडल फेंक दी। लेकिन जब वो घर में जाने लगी, तभी उस सैंडल में से आवाज आई, अनुष्का तुम बहुत ही लालची लड़की हो, तुमने और तुम्हारी माँ ने मोहिनी पर जो भी अत्याचार किए हैं वो सभी गलत हैं, और वो बिचारी बिना कुछ बोले तुम्हारे सारे अत्याचार सहती आ रही है, लेकिन तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं आई होगी ऐसे किसी के ऊपर इतना अत्याचार करना, लेकिन जब तुम घर जाओगी तभी तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी और तुम्हारे घर से सारी जरूरी चीजें गायब हो जाएंगी। नहीं नहीं जादुई सैंडल, ऐसा कुछ मत करना, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है, आप उन्हें कुछ मत करना। अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहती हो तुम्हें या तुम्हारी माँ को कुछ ना हो, तो ये जादुई सैंडल उठाओ और वापस घर जाओ, और इन जादुई सैंडल को मोहिनी के हाथों में दे दो, और साथ ही तुम और तुम्हारी माँ मोहिनी से माफी भी मांगेंगी। जिसके बाद अनुष्का जाती है और मोहिनी को वो जादुई सैंडल लौटा देती है और उससे माफी भी मांगती है, जिसके बाद अनुष्का मोहिनी को अपनी बहन बना लेती है, और उस दिन से दोनों साथ स्कूल जाया करते थे, खेलते भी दोनों साथ में थे और दोनों ही बहनों की तरह रहते थे, और शांति को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके बाद शांति ने दोनों को एक जैसा रखा और किसी में भी भेदभाव नहीं किया, और अब वो तीनों बहुत खुशी से रह रहे थे।